ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें, कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। आज के मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि 160 पॉइंट प्लस तक मार्केट चली गई। मार्केट में एक्सपेक्टेड यही था कि मार्केट अभी परफॉर्म करेगी, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा इवेंट था, OIC का इजलास हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के लिए काफी पॉजिटिव है। इसके बाद भी हमने देखा कि आज उसके बाद मार्केट तकरीबन लैकलस्टर रही और 26 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट 43,203 तक गई। मार्केट 43,400 के लेवल क्रॉस नहीं कर सकी। इसके साथ ही हमने वॉल्यूम्स भी देखे कि जो कि कल वॉल्यूम्स हुए थे 123 मिलियन के वॉल्यूम हुए थे, आज हमने देखा कि स्लाइटली इजाफा हुआ 137 मिलियन का, यानी वॉल्यूम्स में भी हमने थोड़ी सी यानी अप्रिसिएशन देखी। जबकि सेक्टर्स देखे तो सेक्टर्स में भी तकरीबन जो सेक्टर्स थे स्लाइटली पॉजिटिव नजर आए, जिसमें फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल पॉजिटिव रहे। जबकि नेगेटिव साइड पर कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, ऑटोमोबाइल ये नेगेटिव रहे। इसके साथ ही अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो तकरीबन आज के दिन मार्केट एक स्लो परफॉर्म कर रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंटम में हमने देखा कि TIG थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ और थोड़ी सी स्क्रिप्स थोड़े थोड़े रिकवर करना शुरू करे। इसके अलावा एक रिजल्ट भी था पाकिस्तान सुजुकी मोटर का, जो कि पॉजिटिव रहा, 32.56 रुपये की EPS रही पॉजिटिव। लास्ट ईयर में देखा जाए तो 16.75 रुपये माइनस थी, 6.5 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इसके साथ ही अगर हम यानी कि ऑयल एंड गैस के वाले से बात करें, इंटरनेशनल मार्केट के वाले से बात करें, तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट में कल के दिन मैंने आपको बताया था कि $113 से लेकर 115 तक मूव कर सकता है। $113 के पास आज हाई बना और उसके बाद एक सेलिंग नजर आई क्रूड ऑयल के अंदर, इस वक्त $109.70 के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 25 सेंट माइनस के साथ ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल की जो फोरकास्ट है वो यही है कि $113 रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये ब्रेक नहीं करता तो ये 108 से लेकर 105 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए काफी पॉजिटिव होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि मार्केट ने अब जो है किस तरह परफॉर्म करना है, यानी थर्सडे वाले दिन अगर देखा जाए तो मार्केट की जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो क्लोजिंग रही है काफ़ी यानी कि बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे तो नहीं है, 26 पॉइंट माइनस के साथ रही है। मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही और कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। मार्केट में जो गैर यकीनी सूरत हाल है और जो वॉल्यूम्स कम है वो इसी वजह से है कि पॉलिटिकल हालात, जब तक पॉलिटिकल हालात हमारे एक फाइनल स्टेज पर नहीं आते तब तक हम मार्केट के अंदर इसी तरीके से एक रेंज बाउंड और एक डल एक्टिविटी देखेंगे, क्योंकि समटाइम्स अपोजिशन की न्यूज़, समटाइम्स गवर्नमेंट की न्यूज़ सेंटीमेंट हर्ट कर देती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक होता है। आज भी हमने ये देखा कि मार्केट आपकी रेंज बाउंड रही, अब भी देखा जाए तो टेक्निकल के हिसाब से शॉर्ट ग्राफ हाईली पॉजिटिव है, किसी भी टाइम बाउंस ब्रेक कर सकते हैं। अगर 43,400 के लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर गुंजाइश होगी कि 300 से लेकर 600 पॉइंट तक मार्केट आपकी बाउंस ब्रेक कर सकती है और रिकवरी का फेज बना सकती है। इसी के साथ अगर हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग के हिसाब से देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से आज क्लोजिंग थोड़ी स्लाइटली नेगेटिव क्लोज हुई है, लेकिन कल के दिन जैसे कि थर्सडे वाले दिन मार्केट की क्लोजिंग अगर थोड़ी पॉजिटिव आ जाती है तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे मार्केट एक रैली की तरफ होगी, जिसमें 500,000 पॉइंट की एक रैली होगी। इस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा यानी कि नीचे भी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ इसलिए भी नहीं ट्रिगर कर पा रही क्योंकि कोई गुड न्यूज़ जो पॉलिटिकल की साइड पर मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिल रही है। जैसे ही कोई पॉलिटिकल साइड पर कोई अनसर्टेनिटी खत्म होती है तो इंशाल्लाह हम मार्केट को देखेंगे मार्केट तेजी की तरफ होगी और रिकवरी की तरफ होगी। इस वक्त आपके पास जो स्टॉक्स रखे हुए हैं उनको होल्ड रखें, अगर आपके पास गुंजाइश मौजूद हो तो ये याद रखें ये वो प्राइस है जो काफ़ी लो प्राइस है, इस पर एवरेज करनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में जब मार्केट रिकवरी की तरफ हो तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। इस वक्त अगर खुदा न खासा अगर मार्केट में कोई थोड़ा प्रेशर आ जाता है तो आपने पैनिक प्रेशर में नहीं आना, आपने उसको यही करना है कि आपने होल्डिंग रखनी है, क्योंकि किसी भी टाइम मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी का फेज बना सकती है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में कॉल्स दी जाती हैं सेक्टर से रिलेटेड भी, इंडेक्स से रिलेटेड भी। अगर आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें, आपको एड किया जाएगा स्पेशल ग्रुप में। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।